दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, मैं विपिन कुमार, फिल्म गुरु, फिल्म मेकर, आप सबका स्वागत करता हूँ सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन एक्टिंग क्लास और ऑफलाइन एक्टिंग क्लास, कौन सा क्लास सिस्टम आप सबके लिए अच्छा हो सकता है। सो दोस्तों सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि ऑनलाइन एक्टिंग क्लास क्या होता है और ऑफलाइन एक्टिंग क्लास क्या होता है। ऑनलाइन एक्टिंग क्लास का मतलब है आपको कुछ वीडियो दिए जाएंगे, कुछ 90 के आसपास वीडियो आपको दिए जाएंगे सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी की तरफ से। उस वीडियो को आपको घर बैठे देखना है और जैसे जैसे उसमें प्रैक्टिस कराया गया है वैसे वैसे आपको घर पर मिरर के सामने यानी कि शीशे के सामने या आप घर पर उसको प्रैक्टिस करके उसको तैयारी कर सकते हो। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑनलाइन एक्टिंग क्लास। अब मैं बात करूंगा दोस्तों ऑफलाइन एक्टिंग क्लास। ऑफलाइन एक्टिंग क्लास क्या होता है कि आप हमारे क्लासरूम में आए, मुंबई में जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे आप आने के बाद वहाँ पे जो भी लड़के हैं लड़कियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग बैच हैं, उस बैच में आके आप वहाँ पे एक्टिंग सीखते हो या थिएटर सीखते हो या ऑडिशन ट्रेनिंग लेते हो। दैट इज़ अबाउट ऑफलाइन एक्टिंग क्लास। यानी कि आप 1-to-1 मेरे सामने या जो भी इंस्ट्रक्टर हैं जो भी टीचर हैं उनके सामने आप एक्टिंग सीख रहे हो। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि कौन सा सिस्टम आप सबके लिए अच्छा है, क्या ऑनलाइन एक्टिंग क्लास अच्छा है या ऑफलाइन एक्टिंग क्लास अच्छा है। दोस्तों आप सबको मालूम है इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और दोस्तों स्कूल कॉलेज लॉकडाउन के खुलने के बाद भी हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्कूल कॉलेज के अंदर या फिल्म शूटिंग के अंदर सैकड़ों में लोग आते हैं, चाहे लड़के या लड़कियां, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, आप दूरी बना के नहीं बैठ सकते स्कूल कॉलेज में। सैकड़ों के तादाद में लड़के लड़कियां बेंच पे बैठते हैं, वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी अलग अलग बैच होते हैं, वहां पे भी आपको बैठना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। फिल्म शूटिंग में भी सैकड़ों लोग जाते हैं, तो हो सकता है दोस्तों, आई एम नॉट सेइंग, बट हो सकता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी थोड़ा सा वक्त लग जाए स्कूल कॉलेजेस खुलने के लिए। सो दोस्तों आप अपना समय व्यर्थ ना करें, आपके पास बहुत समय है, आप घर पे भी बैठे हैं, आपके पास बहुत समय है, तो आपके लिए अच्छा ये है कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन एक्टिंग क्लास आप ले सकते हैं और जो भी आपको 90 वीडियो दिए जाएंगे उस वीडियो को एक एक वीडियो दो दो वीडियो डेली देखना है और डेली देखने के बाद वैसा ही घर पर प्रैक्टिस करना है। 1-2 महीने के अंदर आप तैयार हो जाओगे, रेडी हो जाओगे ऑडिशन देने लायक, क्योंकि सीखोगे आप और आप मुंबई आके डायरेक्ट ऑडिशन देने भी जा सकते हैं। यहाँ तक मैं और बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नहीं 2 महीने सीखने के बाद ऑनलाइन एक्टिंग क्लास, हमारे ऑफलाइन एक्टिंग क्लास भी सीखना चाहते हो ऑफिस में आके, तो जब भी 2-3 महीने बाद जब ये लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से स्कूल कॉलेजेस खुल जाते हैं आप आएँ दोबारा कि आप ऑफलाइन एक्टिंग भी सीखें। सो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि आप अपने समय को व्यर्थ ना करें, आप अपने समय को सदुपयोग करें, आप उसका उपयोग करें, सीखें घर पे एक्टिंग। और दोस्तों अगर आप सीखेंगे तभी जीतेंगे दोस्तों, जो सीखेगा वही जीतेगा, जो घर पे बैठेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों समय बड़ा बहुमूल्य है, ये समय है घर पे तैयारी करने का, ये समय हाथ पे हाथ धर के बैठने का नहीं है। सीखें और अपने लाइफ को बेहतर बनाएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं सीखना, आज इसी वक्त हमारे कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7219533205, इस नंबर पर फ़ोन करें, पूछें हमारे काउंसलर से कि आप कैसे ये ऑनलाइन एक्टिंग क्लास ले सकते हो। बहुत ही मामूली फ़ीस स्ट्रक्चर है दोस्तों, बहुत ही कम फीस है और उस फीस को आप पे करने के बाद ये ऑनलाइन एक्टिंग क्लास लेके सीख सकते हो और अपने बॉलीवुड के सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और ऑनलाइन एक्टिंग क्लास ऑफलाइन एक्टिंग क्लास का डिफरेंशिएशन आप सबको मालूम पड़ चुका होगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज विपिन कुमार साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कोशिश करें कि दोस्तों आज इसी वक्त ऑनलाइन एक्टिंग क्लास के लिए एनरोल करें। बहुत ही जेन्युइन वीडियो हैं दोस्तों, 90 वीडियो अलग अलग चैप्टर पे सिखाए गए हैं, अलग अलग मेथड्स उसमें बताए गए हैं, जैसे मोनोलॉग, इम्प्रोवाइजेशन, इमेजिनेशन, सेंस मेमोरी, सब्जेक्टिव स्टडी, अलग अलग चैप्टर अलग अलग तरीके से आपको बताए गए हैं, उसको आपको सीखना है और प्रैक्टिस करना है। अगर सीखने की चाहत होगी ना दोस्तों कोई भी सीख सकता है। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू, थैंक यू।